अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, और सब उठ गए हैं, रेडी हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रहे हैं, बस बाहर निकलेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर स्टेशन की तरफ जाएंगे अपनी गाड़ियों के लिए। बाइक जो है हमारी पहुँची नहीं है पिंडी, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन लेंगे रावलपिंडी स्टेशन जाके। बाकी ये रेहान भाई तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह, और बाकी सारे लड़के रेडी हैं, सब रेडी है, बस अभी बाहर जाएंगे और नाश्ता वगैरह करके फिर उसके बाद जो है अपनी गाड़ियों के लिए, मोटरसाइकिलें जो हमारी पहुँची नहीं है अभी कराची से रावलपिंडी, वहाँ पे जो है जाके इंफॉर्मेशन लेंगे अपनी। बाकी सारे लड़के खड़े हैं, रेडी हैं बिल्कुल। तारिक भाई हैं, अब्दुल वाजिद भाई हैं, और बाकी जो है सब नीचे जा चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह नीचे पहुंच के आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। बाकी अब्दुल समद भाई है माशाल्लाह, ये बाकी जैसे भी और अपडेट होती है आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी नीचे आ गए हैं अपने होटल से, बस अभी जाएंगे नाश्ता करने के लिए। सारे लड़के देखेंगे खड़े हैं, तैयार हैं, सारे तैयार हैं, और माशाल्लाह सारा बाज़ार आज खुला हुआ है, क्योंकि कल रात के लेट हम लोग आए थे, तो इस वजह से सारा बाज़ार बंद था। अभी सारा बाज़ार खुला हुआ है, मैं इंशाल्लाह फिर अभी आपको जाएंगे और आगे की अपडेट देंगे इंशाल्लाह। सारा बाज़ार खुला हुआ है, ये यासिर भाई है हमारे मशहूर, रावलपिंडी का सदर बाज़ार, सारे कपड़ों की दुकान है और अपर की दुकानें हैं, तरपालों की दुकानें हैं, सारी है माशाल्लाह पूरा बाज़ार है। रावलपिंडी का सदर बाज़ार कहलाता है, ये स्टेशन के बिल्कुल करीब है, ये देखें आप। कल रात में बहुत ज़्यादा लेट आए थे, तो इस वजह से पूरा बाज़ार बंद था, पूरा बाज़ार बंद था। और बाकी ये हम लोग आए हुए अभी यहाँ से, इंशाल्लाह हैंड फ्री या चार्जर वगैरह जो भी समझ आता है वो लेते हैं इंशाल्लाह। ये देखें ये पूरा बाज़ार है, जैकेटों का बाज़ार है, यहाँ पे कैंप भी मिलते हैं, अम्ब्रेला भी है, और बाकी ये देखें आप। यहाँ से क्या ले रहे हो सर? आपके लिए चाहिए। हाँ सर, आपने कहा था। अस्सलाम वालेकुम मामा, खैरियत से आप? तबीयत वगैरह ठीक है? तो मोबाइल के लिए चार्जर दिखा, सही अच्छा वाला मोबाइल। ये देखें अभी ये चार्जर ले रहे हैं हम अपने मोबाइल के लिए, कामरान भाई चेक कर रहे हैं कौन सा लेना चाहिए। इन्फिनिक्स का था ना उस साथ, वो बहुत टाइट चार्ज करता था मेरा मोबाइल। ये दो ही है, ये तो गार्लिक्स पता नहीं क्या लिखा हुआ, कौन रॉलिन कंपनी का भी आता है ना, वो नहीं होगा आपके पास? अच्छा ये लीजिए, आओ देखते हैं रॉलिन। चला यहाँ समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ब्रांड नहीं था, रॉलिन का हमें चाहिए चार्जर, यहाँ पे रॉलिन का था नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे समझ में नहीं आया। बाकी इंशाल्लाह आगे देखते हैं। ये हम उसी रोड पे हैं जिस रोड पे कल रात हमने खाना खाया है, उसी रोड पे जा रहे हैं अभी, तो यहाँ से नाश्ता वगैरह करके घूम जाएंगे वापसी कैंडी स्टेशन की तरफ, ताकि जो अपनी बाइकों की जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे ले सकें। अल्लाह करे हमारी गाड़ियाँ कैंट पे आ चुकी हों, आप लोग भी दुआ करें।
यहाँ पे इंशाल्लाह भी हम लोग नाश्ता करेंगे, न्यू पाकिजा रेस्टोरेंट। कल रात में यहाँ पे खाना खाया, इंशाल्लाह आज ये देखें यहाँ पे अभी हलवा पूरी का सेटअप लगा हुआ है माशाल्लाह। ये भाई पूरी फ्राई कर रहे हैं, बाकी सब लेने वाले आए हुए माशाल्लाह। ये देखें ये देखें अंदर का जो सेटअप है वो भी हम आपको दिखाते हैं। यह हमारी पूरी टीम बैठ चुकी है नाश्ते के लिए। कराची किंग बाइकर्स, कराची किंग बाइकर्स पूरी टीम बैठ चुकी है। कामरान भाई हिदायत देते हुए सबको, रेहान भाई, अब्दुल समद भाई, यासिर भाई, अब्दुल वाजिद भाई, कामरान भाई, अदनान भाई, तारिक भाई, ये भाई माशाल्लाह खड़े हुए ऑर्डर लेने के लिए। बाकी इंशाल्लाह जो भी हम अभी मंगाएंगे नाश्ते के लिए इंशाल्लाह, बाकी आगे की अपडेट इंशाल्लाह देते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अभी नाश्ता कर लिया हम लोगों ने, अब इंशाल्लाह एक स्टेशन की तरफ जाएंगे और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे बाइकों की। और माशाल्लाह हमारे जो दोस्त थे जो कल हमें मिले थे, अब्दुल वाजिद भाई के फ्रेंड, जिगरी फ्रेंड गुड्डू भाई भी आ गए हमारे पास, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं इंशाल्लाह। गुड्डू भाई आ गए हैं, गुड्डू भाई जो है बाइकों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कामरान भाई को। और गुड्डू भाई खैरियत से ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम। ये बाकी सारे आ गए राइडर माशाल्लाह। ये देखें कराची किंग बाइकर, यहाँ हमने नाश्ता करा है अभी बस, बाकी इंशाल्लाह ये अभी निकलेंगे। ये भाई खड़े हुए हैं, ये भाई मैजिक दिखाते हैं, मैजिशियन है। अभी जा रहे हैं हम लोग स्टेशन की तरफ और ये कामरान भाई जा रहे हैं, थोड़ी टेंशन में है कामरान भाई गाड़ियों के हवाले से, बाकी सारे पीछे आ रहे हैं। तारिक भाई है, अब्दुल समद भाई है, उसके पीछे देखें और भी बंदे आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं टेंशनों में चलते जा रहे हैं। कामरान भाई भी टेंशनों में, सारे राइडर टेंशन में चल रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो हालात थे इस काबिल नहीं थे कि रेलवे में जो है गाड़ी यहाँ पे आ सकती, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ या तो लाहौर में ही है या फिर कराची में ही मौजूद है। तो यही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अभी हम रावलपिंडी के कैंडी स्टेशन जा रहे हैं। जो जैसी भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको मिलते रहेगी। बाकी ये कि रावलपिंडी में तो घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। लेकिन जो हमारा मकसद है कि आज हमें बाइक टूर अपना पिंडी से स्टार्ट करना था, इसमें भी अल्लाह की बेहतरी है, हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। तो इस पर जो है मायूसी नहीं है, थोड़ा वक्त ज़ाया हो रहा है, खैर है, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की बेहतरी है। बाकी कोशिश यही है कि हमें गाड़ी की इंफॉर्मेशन जो है सही मिल जाए, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो हम ले सकें इंशाल्लाह। हम लोग रेलवे स्टेशन, पाकिस्तान रेलवे पार्सल ऑफिस, बाकी यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अभी देते हैं बाइकों के हवाले से। ये देखें ये सारे पार्सल यहाँ से जाते भी हैं, यहाँ से रिसीव भी होते हैं। तो खड़ी भी है, सेवेंटियों की बात कर रहा था। वाह वाह वाह, ये देखें होती तो यहीं होती है, अंदर भी होती है, अंदर होती है, यहाँ तो जमा होती है ना। इस तरह हुई है, जब दो बंगिया होते हैं ना मालगाड़ी के, तो बोले कि इसमें से जब जगह बजे एक गाड़ी के, एक गाड़ी यहाँ पे, दूसरी गाड़ी यहाँ पे।
एक डब्बा लाहौर खुल गया, दूसरा डब्बा हो सकता है पिशावर चला गया, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, लाहौर तो बिल्डिंग बादशाह भाई बिल्डिंग की है ना, पहले बिल्डिंग, लेकिन वो आएंगे घूम फिर के बिल्डिंग ही आएंगे। ये है रावलपिंडी का स्टेशन, आप देख रहे हैं यहाँ से रावलपिंडी का स्टेशन की अपडेट। ये देखें मालगाड़ी वो होती है जिसमें टोटल माल होता है, वो कंटेनर होता है, पूरे पूरे कंटेनर उठा के उस पर रखे जाते हैं, छोटे मोटे आइटम होते हैं। कल तक यहाँ पे फिलहाल कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी किसी भी शहर से, हालात के पेश नज़र, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं रावलपिंडी स्टेशन पे। हालात अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गए हैं यहाँ पे, और अभी जो है गाड़ियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं। जैसे कि आप देखेंगे अभी एक और गाड़ी आ रही है सामने से, और माशाल्लाह इधर भी मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर भी गाड़ी लगी हुई है जाने के लिए रावलपिंडी कैंट स्टेशन से, क्योंकि ये सयाहों का मेन हब कहलाता है रावलपिंडी स्टेशन, यहीं से सारे सयाह जो है मरी कागा नारान की साइड जो है जाते हैं। ये देखें ये एक गाड़ी आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं कराची से भी लाहौर से भी, यानी कि पाकिस्तान के सारे शहरों से गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हालात अब बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह, और गाड़ियाँ इसी तरह आती रहेंगी, मुसाफिर इसी तरह आते रहेंगे। ये भाई देखें ये सारे माशाल्लाह पेशावर से कराची वाली ट्रेन है जो कि अभी अभी बिल्कुल रावलपिंडी स्टेशन पे आई है, देख सकते हैं आप। ये रावलपिंडी स्टेशन, अभी जो गाड़ी आई है लाहौर से आई है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ आना शुरू हो गई है, कराची से भी आ रही है गाड़ियाँ, लाहौर से भी आना स्टार्ट हो गई है, और अभी यहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह हालात जो है मामूल के मुताबिक आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है। और कल रात में यहाँ पे स्टेशन पे बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी नहीं था, हम लोग सिर्फ सामान रख के बैठे हुए थे, कोई भी नहीं था, गाड़ियाँ ना आने की वजह से बेचारे सारे परेशान थे, कुल्ली जो सामान उठाते हैं बेचारे वो भी परेशान थे, और स्टॉल वाले वो भी बेचारे परेशान थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। अल्लाह पाक से दुआएं के पूरे मुल्क के हालात जो है अल्लाह पाक बेहतर रखे, अच्छे रखे, सबका रोज़ी रोज़गार चलता रहे, आमीन। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी बाइकों की अपडेट लेने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी आई है लाहौर से, और लाहौर से आई है तो इंशाल्लाह इस गाड़ी में हो सकता है कि हमारी गाड़ियाँ हो, क्योंकि एक गाड़ी जो है हमारी यहाँ पे आ चुकी है, हमने मालखाने में देखा एक गाड़ी हमारी खड़ी हुई है, बाकी तीन गाड़ियों का कोई अभी पता नहीं है कि किधर है, और मालूमात लेने पे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई आपकी गाड़ी या तो लाहौर में होंगी या फिर पेशावर में होंगी, लेकिन कन्फर्म कोई नहीं बता रहा कि आप भाई पेशावर में या लाहौर में। तो हम अभी इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी आई है लाहौर से, और हो सकता है इसके इसी के अंदर हो हमारी गाड़ियाँ इंशाल्लाह, ताकि हमारा जो आगे का टाइम है वो महफूज हो सके। बाकी आप लोग भी अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। ये देखें ये मालखाना गाड़ी का ये खुलता है इंशाल्लाह, तो इसमें चेक करते हैं कि इसके अंदर गाड़ियां हैं हमारी या नहीं है। बाकी अगली अपडेट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
रावलपिंडी स्टेशन पे जाते हुए बाकी कराची किंग बाइकर पीछे आते हुए सारे गाड़ियों की टेंशन में बेचारे। और ये देखें अभी एक और गाड़ी आ चुकी है, ये लाहौर से आई है रावलपिंडी स्टेशन पे। अल्हम्दुलिल्लाह अब सारा सिस्टम जो है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के हुक्म से मामूल पे आता जा रहा है। ये अभी अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगी है गाड़ी। देख सकते हैं आप